स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, भारतीय टीम ने ODI सीरीज को कर लिया है अपने नाम और 4-1 से जीत लिया है इस सीरीज को। अब दोस्तों बारी है T20 मैचों की। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम के T20 स्क्वाड के बारे में, यानी T20 के मैचों में भारतीय टीम का T20 स्क्वाड क्या होने वाला है। तो दोस्तों बात करेंगे हम इस पूरी वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों यहाँ पर जो विराट कोहली हैं उनको दे दिया गया है रेस्ट और वहीं जसप्रीत बुमराह को भी दे दिया गया है रेस्ट। मतलब जो विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह नहीं खेलने वाले हैं इस T20 सीरीज को, वहीं KL राहुल को भी कर दिया गया है ड्रॉप। यहाँ पर KL राहुल भी नहीं खेलने वाले। अब दोस्तों बात करें इन तीन दिग्गज के बिना भारतीय टीम का T20 स्क्वाड क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर जो बल्लेबाज में रखा गया है रोहित शर्मा जो कप्तान होने वाले हैं भारतीय T20 टीम के। तो बात करें दूसरे बल्लेबाज हैं शिखर धवन जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं, और वहीं विराट कोहली के स्थान पर सुमन गिल को रखा गया है। तो दोस्तों ये हैं तीन बल्लेबाज। अब दोस्तों बात करें हम ऑलराउंडर की, तो यहाँ पर ऑलराउंडर में केदार जाधव की वापसी हुई है T20 स्क्वाड में जो कि बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है। वहीं कुणाल पांड्या को भी रखा गया है T20 स्क्वाड में जो कि बहुत ही बढ़िया बाएं हाथ के स्पिनर है, वहीं बल्लेबाजी भी करते हैं। और वहीं विजय शंकर की भी वापसी हो गई है T20 स्क्वाड में, और वहीं हार्दिक पांड्या की भी वापसी हो गई T20 स्क्वाड में जो कि बैन के चलते बाहर हो गए थे, लेकिन यहां पर हार्दिक पांड्या की वापसी हो गई है। अब दोस्तों बात करें हम विकेट कीपर की, तो यहां पर विकेट कीपर में रखा गया है ऋषभ पंत को जो कि वापसी कर रहे हैं T20 स्क्वाड में, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत। वहीं दिनेश कार्तिक को भी रखा गया है T20 के स्क्वाड में जो कि बहुत ही बढ़िया विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। और दोस्तों यहां पर जो महेंद्र सिंह धोनी हैं उनकी वापसी हो गई है T20 स्क्वाड में जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं, काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं तीन विकेट कीपर। अब बात कर लेते हैं हम बॉलर की, तो यहाँ पर बॉलिंग में रखा गया है कुलदीप यादव को जो कि बहुत ही बढ़िया लेग स्पिनर है, और वहीं युजवेंद्र चहल को भी रखा गया है जो कि बहुत ही बढ़िया लेग स्पिनर है। बात करें फास्ट बॉलर की, तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार को रखा गया है जो कि बहुत ही बढ़िया स्विंग बॉलर है, और वहीं सिद्धार्थ कोहली की काफ़ी समय बाद वापसी हो गई है जो कि बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलिंग करते हैं, और वहीं खलील अहमद को भी रखा गया है यहाँ पर T20 स्क्वाड में। अब दोस्तों आप हमें कमेंट कर क्या भारतीय टीम T20 सीरीज को जीत पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।